दूसरा सवाल यह है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे, और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है, 1,54,000, 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर चार चार पांच पांच साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट? इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में। इन ये चार, जो चार बड़े चंक है, ALP, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल वन, ये जो चार बड़ी कैटेगरीज हैं, इन चार बड़ी कैटेगरीज का साल में चार हिस्से किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें, एक जो ALP का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में, और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल वन, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सर सारे के सारे कैंडिडेट्स की ये डिमांड लंबे टाइम से रही है कि चार चार साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और इसी थिंकिंग, और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से, अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट? टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर, 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं हर है? वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया, आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1,000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन, कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? जीरो कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? जीरो पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक MP बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू सर।